हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेक्रेट हार्ट्स ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। दिस इज़ योर कंप्यूटर टीचर हिमानी मैसी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर 8 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशंस। पावर पॉइंट इज़ यूज टू क्रिएट and display beautiful presentations that include text, picture, charts, diagrams, audio, video and animated special effects. Now, PowerPoint एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको Microsoft कंपनी ने डेवलप किया है। इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ MS Office. MS Office बेसिकली ये एक फोल्डर जिसमें कि हमें ढेर सारे ये एक पैकेज है जिसमें हम अदर सॉफ्टवेयर्स इसमें अवेलेबल हैं, लाइक MS Word, MS Excel, Access, और उसी में से एक है PowerPoint. PowerPoint बेसिकली यूज़ होता है ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस को प्रिपेयर करने के लिए। यू कैन ऐड ब्यूटीफुल टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, इवन यू कैन ऐड ऑडियोज एंड वीडियोज टू मेक योर प्रेजेंटेशंस इफेक्टिव। नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। अ प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेंज इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर दैट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद ग्राफिक्स, साउंड्स एंड एनिमेशन। नाउ हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं। प्रेजेंटेशंस बेसिकली आर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्लाइड्स। जैसे हम पेजेस कलेक्ट करते हैं वर्ड में, एक्सेल में शीट्स, वैसे ही पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाई जाती हैं अलग अलग, और इनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है जिसमें हम डिफरेंट ग्राफिक्स, साउंड्स एंड एनिमेशन ऐड करते हैं, और इनको कंबाइंडली हम एक प्रेजेंटेशन कहते हैं। Now let's study about the slide. A slide is like a page of a PowerPoint presentation that displays a brief information about a topic. Slide PowerPoint ka single page ko kehte hain, jo ek single page create kiya jata hai PowerPoint mein, that is a slide. And ye slide pe aapki sari information in brief rehti hain. How is a PowerPoint presentation helpful? Now let's see. First is PowerPoint presentation is widely used to effectively present views and ideas. जो हमारे अगर हम अपनी views और ideas हमें किसी को present करने होते हैं तो वो जो views and ideas है उनको present करने का सबसे best method होता है कि हम अपने एक presentation तैयार करें जिसमें हम अपने जो ideas हैं उनको हम short form में उनको briefly हम describe करते हैं। Next, people in the business world use it to present information about their company or products in seminars and meetings. Seminar and meetings जो कि business organization में arrange किए जाते हैं, उन meetings में ये presentation सबसे ज़्यादा effective होते हैं क्योंकि यहाँ बहुत easily charts और pictures के help से ये बहुत easily अपनी जो product होता है या अपनी company की जो report होती है उसके बारे में information present कर सकते हैं। Next is teachers use presentations to prepare their lesson plans. In fact, even in schools, teachers जब अपने lesson plans, अपने lectures को arrange करते हैं तो उस time पर ये presentations बहुत ज़्यादा helpful होते हैं क्योंकि ये brief descriptions देते हैं, means brief important points को आप यहाँ पर highlight कर सकते हैं और अपने lecture में बाद में उनको elaborate कर सकते हैं. So this is really very helpful at the time of lectures and seminars. By using PowerPoint presentation, you can create a visual impact on the audience. Yes, PowerPoint के through, इन presentations के through, अगर आप किसी चीज़ के बारे में information दे रहे हैं, especially like the, अगर आप कोई science का lecture दे रहे हैं या कोई geography से related lecture दे रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा helpful होता है क्योंकि at a time आप वहाँ पर pictures, वहाँ पर maps, diagrams, इनको show कर सकते हैं जिससे कि जो viewers होते हैं, जो आपके students होते हैं, उनको concept बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है और उनके माइंड में कोई भी क्वेरी नहीं रहती है। नाउ लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्टअप मेन्यू एंड सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स। आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल प्रोग्राम्स, जस्ट क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। व्हेन यू क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर, यू कैन सी द applications available in this folder, and from that you pick Microsoft PowerPoint 2007, and as soon as you click you will get a blank presentation. Now let's see the different components used in Microsoft presentation environment. The first is office button. This office button actually contains the commands related to your starting a new presentation, open an existing presentation, save, print, send, or even to close your
presentation. After that, we have a quick access toolbar. This quick access toolbar is exactly having frequently used commands. ये quick access toolbar को आप ribbon के ऊपर या नीचे भी shift कर सकते हैं. And most important thing, अगर आप चाहते हैं तो इस ribbon पे और भी tools को add कर सकते हैं जो आपको frequently use होते हैं. इसमें आप जो side में button है उस पर click करिए और जिस भी item को आपको add करना है उस पर click करके add कर सकते हैं. Then after that we having tabs. These tabs are actually the menus. यहाँ पे जिस हर tab से related, like we are having the design, animation, slideshow, हर tab से related commands इसमें save होते हैं. Then below this we have a ribbon. Ribbon is basically contain the exact commands of related to different tabs. अगर आप slide tab पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू ribbon ओपन होगा जिसमें कि स्लाइड शो से रिलेटेड सारे कमांड्स अवेलेबल होंगे. देन आफ्टर दिस वी हैव आउटलाइन टैब. आउटलाइन टैब इज एक्चुअली हेल्प्स टू वर्क विद द टेक्स्ट. आउटलाइन टैब पे क्लिक करते ही आपके सारे ग्राफिक्स हट जाते हैं, सिर्फ टेक्स्ट ही ओपन रहता है, जिससे कि आप अपनी स्लाइड्स में ओनली टेक्स्ट पे वर्क कर सकते हैं. देन स्लाइड्स टैब. स्लाइड्स टैब बेसिकली ओपन्स द थंबनेल्स ऑफ द स्लाइड वर्जन्स. स्लाइड्स की जितनी भी स्लाइड्स हैं आपके प्रेजेंटेशन में, वो सब एक थंबनेल में ओपन हो जाते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर इसको ऐड, डिलीट, डुप्लीकेट और इन स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में. Then we have notes pen. This notes pen is exactly helpful to note down the information related to any particular slide. At the time of delivering your lecture, it helpful for the audience. हम क्या करते हैं कि जब हमारे लेक्चर होते हैं उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में ही हमारे लेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. देन वी हैव अ जूम स्लाइडर हेयर. जूम स्लाइडर हमारी स्लाइड्स के साइज़ को छोटा और बड़ा करने में यूज़ होता है. स्टेटस बार हमारे जो प्रेजेंटेशन होता है उसके स्टेटस को शो करता है. देन वी हैव अ मेन, दैट इज़ अ प्लेस होल्डर एंड द स्लाइड पेन. बेसिकली दिस इज़ द स्लाइड. यहीं पर हम अपने प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं. यहाँ पर हम स्लाइड्स के आउटलाइन को सेट कर सकते हैं जो कि हमारा क्विक एक्सेस होता है प्रेजेंटेशन को रेडी करने के लिए और इससे हमारा प्रेजेंटेशन बहुत फास्ट रेडी होता है. यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सो दिस इज ऑल. ये सारे जो आइटम्स होते हैं ये सब मिलके हमारे पूरे प्रेजेंटेशन के एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं. एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेसन. विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय.